इस वीडियो में हम बात करेंगे 2017 की फिल्म बायगॉन्स बी बायगॉन्स के बारे में, जो कहानी है जफर नाम के आदमी की, जिसकी माँ जल्द से जल्द उसकी शादी करवाना चाहती है, पर उसके सारे प्लान पर पानी फिर जाता है जब एक मशहूर एक्ट्रेस जफर की जिंदगी में आती है। इजमीर नाम के एक शहर के पास किसी गांव में डोंडू नाम की एक औरत रहती है। वो टूरिस्ट को अपने घर में कमरा किराए पर देती है, पर उसकी अजीबोगरीब हरकतों और बातों की वजह से कोई उसके पास नहीं आता। उसकी इकलौती दोस्त फारिया भी उसकी तरह एक छोटा सा होटल चलाती है। डोंडू के घर में उसकी बेटी और दामाद भी रहते हैं, जिनका बेटा अहमद अपने मामा जफर के साथ वक्त बिताना पसंद करता है। पर कुछ दिनों से जफर का बर्ताव बदल गया है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड महताब ने उसे छोड़ दिया है। इसी बारे में सोचकर डोंडू परेशान थी और जल्द से जल्द उसकी शादी महताब से करवाना चाहती थी। महताब जफर का मजाक उड़ाया करती है, क्योंकि वो हर दिन अपनी नाव में रहकर ही काम करता है। पर जफर को ये बात अजीब लगती है, क्योंकि महताब के पिता खुद भी एक सेलर है। फारिया जानती थी कि महताब और जफर के बीच कड़वाहट पैदा करने में डोंडू का भी हाथ है, पर डोंडू ये मानने को तैयार नहीं है। अपनी माँ के अलावा जफर को अपने अजीब से असिस्टेंट मातिन और महताब के पिता इब्राहिम को भी झेलना पड़ता है, पर उन्हें झेलना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि मातिन हर बार कुछ गड़बड़ कर देता है। डोंडू की बेटी आयनूर उसका रेस्टोरेंट संभालती है, पर सालों से महताब के पिता की नज़र उसी रेस्टोरेंट पर है। वो बार बार डोंडू को अपना रेस्टोरेंट बेचने के लिए कहता है, और उसकी हरकतें अहमद को भी पसंद नहीं आती। अहमद कभी भी उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता। पर इस बार अहमद की वजह से डोंडू मुसीबत में पड़ गई। जफर हर रोज अपने परिवार की वजह से किसी नई परेशानी के आने से थक चुका है, पर वो जब भी नाराजगी जताता है उसकी माँ की वजह से उसे चुप होना पड़ता है। ये बात कोई नहीं जानता था कि महताब का जैंक नाम के एक आदमी के साथ अफेयर है, और इसीलिए उसने जफर को छोड़ा था। उसी इलाके में एक शराबी रहता है, जो हर वक्त अचानक जफर से प्यार ढूंढने के लिए कहता है, पर जफर उसे शराब देकर उसकी बात हर बार टाल देता है। एक रात जफर को बताया गया कि उसे टूरिस्ट को अपनी नाव में घुमाना होगा, क्योंकि महताब के पिता इब्राहिम अहमद की वजह से हॉस्पिटल में है, और अगले ही दिन जफर को अजीब से टूरिस्ट का सामना करना पड़ा। उन टूरिस्ट में से एक असले नाम की एक एक्ट्रेस भी थी, जिसे मातिन ने गलती से पानी में गिरा दिया। उसे बचाने के बजाय मातिन ये कहने लगा कि उसने असले को एक टीवी शो में देखा है। किसी तरह उसे बाहर निकालकर नाव में ले जाया गया, और उससे माफी मांगकर जफर ने उसे बेहतर महसूस कराया। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक समंदर के बीचों बीच जफर की नाव खराब हो गई। वो ये बात सबसे छुपाना तो चाहता था, पर असले समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। जब मातिन ने बताया कि इंजन पूरी तरह बिगड़ गया है, तो जफर घबराने लगा, पर इस परेशानी को असले एक एडवेंचर की तरह देख रही थी। जिस वक्त असले और जफर की दोस्ती हो रही थी, उस वक्त फारिया और डोंडू महताब से बात करने के बारे में सोच रहे थे। वो दोनों ही जैंक और महताब के रिश्ते के बारे में जानते नहीं थे, इसलिए इस बात से अनजान होकर डोंडू ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। धीरे धीरे जफर और असले की दोस्ती बढ़ती गई, और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। पूरा दिन असले के साथ गुजार कर जफर इतना खुश हो गया कि वो उसी के बारे में सोचता रहा, पर वो ये भी सोच रहा था कि असले जैसी खूबसूरत लड़की उसे कभी पसंद नहीं करेगी। एक रात असले का एक्स बॉयफ्रेंड सिरकाए उसके पास आ गया, और असले उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसने अपने होटल से निकलकर जफर के साथ जाने का फैसला किया, और जफर ने बताया कि असले उसके गेस्ट हाउस में रह सकती है। बातें करते हुए असले ने बताया कि सिरकाए उस पर हर वक्त नजर रखता था, और उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था, पर सिर्फ अपनी माँ की वजह से उसे सिरकाए के पास रहना पड़ा था। असले को अपनी बहन से मिलाकर जफर उसे अपने गेस्ट हाउस में ले गया, पर उसे और असले को शराब के नशे में देखकर डोंडू डर गई। इब्राहिम सालों से जफर के परिवार से नफरत करता आया है। वो नफरत इसलिए करता था क्योंकि वो डोंडू को पाना चाहता था, और जिस तरह उससे डोंडू को छीन लिया गया, उसी तरह आज जफर ने इब्राहिम से टूरिस्ट भी छीन लिए। और इब्राहिम को इम्प्रेस करने के लिए जैंक ने ये कह दिया कि वो कुछ पैसे देकर आयनूर के पति से वो रेस्टोरेंट छीन लेगा, और इब्राहिम ये सुनकर खुश हो गया। जैंक ने आयनूर के पति रमजान को पैसों का लालच दिया, और वो जैंक की बातों में भी आ गया। एक तरफ असले और जफर एक दूसरे के साथ रहने के बहाने ढूंढ रहे थे, तो दूसरी तरफ फारिया महताब से बात करने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो जफर के बारे में सोचने लगे। अचानक इब्राहिम घर लौट कर आ गया, और डर के मारे डोंडू और अहमद उससे छुपने की कोशिश करने लगे। इस बीच अहमद अपनी शैतानियों में लगा था, और उसने इब्राहिम के घर में जाकर उस घर में आग लगा दी।
किसी तरह फारिया ने उसे महताब और इब्राहिम की नजरों से बचा लिया और मौका मिलते ही वो भी वहाँ से निकल गई। असले के कहने पर जफर उसे डाइविंग सिखाने लगा, पर इस बीच भी सरकाय ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जफर ने सरकाय से कह दिया कि उसके आने से पहले असले खुश थी, इसलिए उसे वहाँ से चले जाना चाहिए, और जफर से डर कर सरकाय वहाँ से भाग निकला। जफर और असले अब हर वक्त एक दूसरे के साथ रहने लगे, पर सरकाय भी उन दोनों के पीछे पीछे घूमता रहा। एक रात डोंडू ने बीमार होने का नाटक किया और जफर को इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी के लिए मनाने लगी। इस बीच सरकाय ने भी असले तक पहुंचने की कोशिश की, पर इस बार उसे अहमद का सामना करना पड़ा और अहमद की वजह से सरकाय जफर के सामने आ पहुंचा। असले और जफर की करीबी देखकर डोंडू को तकलीफ होने लगी और वो असले को जफर से दूर करने की कोशिश करने लगी। वो जानती थी कि ऐसा करना आसान नहीं है, इसलिए वो सरकाय से असले के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। सरकाय से पूछताछ करते हुए डोंडू ने उससे घर का सारा काम करवाना शुरू किया और उसे काम करते देख फारिया उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। असले की वजह से जफर वो चीजें करने लगा जो उसने जिंदगी में कभी नहीं की थी। और पहली बार वो अपने इमोशंस बाहर ला पाया। एक दिन मेहताब को पता चला कि जफर और असले एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और उसे ये देखकर भरोसा नहीं हुआ कि एक खूबसूरत लड़की जफर को पसंद कर सकती है। जेंक ने रमजान को कुछ पैसे देकर कहा कि उसे ये रेस्टोरेंट बेच देना चाहिए, पर तब उसे पता चला कि ये जगह आइनूर के नाम पर तो है, पर डोंडू ने एक ऐसे कानून का इस्तेमाल किया है जिसके मुताबिक ये जगह कभी बेची नहीं जा सकती। ये सुनकर जेंक के सारे प्लान पर पानी फिर गया, पर फिर उसने इब्राहिम से झूठ कहकर उससे बहुत सारे पैसे ले लिए, जिन्हें लेकर वो महताब के पास चला गया। पैसे देखकर महताब बहुत खुश हो गई और वो दोनों जश्न मनाते हुए वहाँ से भाग निकलने की तैयारी करने लगे। रमजान भी जेंक की बातों में आकर डोंडू के गहने बेचने की तैयारी कर रहा था और उन गहनों को बेचकर वो सारे पैसे जेंक को देने वाला था। इन सारी बातों से अनजान डोंडू अब भी असले से पीछा छुड़ाने के बारे में सोच रही थी। वो असले को सरकाय के पास जाने की सलाह देने लगी और कहने लगी कि उसकी माँ ने सरकाय को चुना है और माँ हमेशा अपने बच्चों का भला जानती है, पर असले इस बात से सहमत नहीं थी, इसलिए ना तो वो सरकाय के पास जाने वाली थी और ना ही जफर को अपनी माँ की बात मानकर महताब के पास जाने देने वाली थी। डोंडू असले से हारने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मजबूरी में उसने वो किया जो वो कभी करना नहीं चाहती थी। वो इब्राहिम के पास चली गई जो आज तक उसे पाने के सपने देख रहा था। इब्राहिम ने कह दिया कि अगर डोंडू उसे शादी कर ले तो वो अपना सब कुछ जफर को दे देगा, जिसके बाद जफर को उसकी बेटी भी मिल जाएगी। इब्राहिम की जबरदस्ती से परेशान होकर डोंडू ने उसे पीटना शुरू कर दिया और मौका मिलते ही वहां से भाग निकली। घर लौटते वक्त डोंडू को पता चला कि उसकी बेटी ने उसके सारे गहने बेच दिए हैं क्योंकि उन्हें नया बिजनेस शुरू करना है, और ये बात वो सह नहीं पाई। वो समझ गई कि बिजनेस के नाम पर उनके पैसे चुराए गए हैं, पर अब पैसे वापस पाने का कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि जेंक वहाँ से भाग चुका था। असले के घर लौटने का वक्त आ गया था, पर ना तो जफर उसे जाने देना चाहता था और ना ही असले उससे दूर जाना चाहती थी। इलाके की सबसे खूबसूरत चीजें दिखाकर जफर उसे अपनी दोस्त अंतुला के पास ले गया जो उस इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, पर असले को उस घर में ले जाने का मकसद उसे सरप्राइज देना था और जफर की वजह से असले उसी इलाके में अपना जन्मदिन मना पाई। एक तरफ असले उस इलाके में अपना आखिरी दिन खुशी खुशी बिता रही थी तो दूसरी तरफ महताब और जेंग सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग निकले थे। पूरी रात जफर और असले बोट पर बातें करते रहे और सुबह होते ही उन दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया, पर वो दोनों ही जानते थे कि वो कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए असले को जफर से दूर जाना पड़ा। पहली बार जफर को अपने शराबी दोस्त की बातें समझ आई और उसकी सलाह मानकर वो असले को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ा। असले ये नहीं जानती थी कि वो जफर से सचमुच प्यार करती है या सिर्फ कंफ्यूज है, इसलिए उसने वहाँ रुकने से इनकार कर दिया।
असले के वहाँ से जाते ही जफर को पता चला कि मेहताब गुमशुदा है और इब्राहिम की बात सुनकर उसे ये भी समझ आ गया कि जैंक उनके पैसे चुरा कर मेहताब को लेकर वहाँ से भाग निकला है। सच जानकर जफर ने अपना आपा खो दिया और सरकाय को पीट कर वो इब्राहिम से बदला लेने के लिए उसके पीछे दौड़ा। बहुत देर तक जफर से बचने की कोशिश करने के बाद इब्राहिम थक गया और जब जफर को पता चला कि इब्राहिम उसकी माँ से प्यार करता है तो उसे एक पागल समझकर जफर ने उसे जिंदा छोड़ दिया। असले के दोस्त भी समझ गए कि वो खुश नहीं है और उस वक्त एक गाना सुनकर असले को एहसास हुआ कि उसे जफर के पास लौट जाना चाहिए। जफर को लगने लगा कि उसने असले को हमेशा के लिए खो दिया है, पर उसी रात असले उसके पास वापस लौट आई। और बिना वक्त गवाए वो दोनों डोंडू के पास गए। जफर ने सबको बता दिया कि वो और असले एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, पर डोंडू इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। अंत में उन दोनों को खुश देखकर डोंडू ने अपने गिले शिकवे भुलाने का फैसला किया और उस दिन के बाद वो पूरा परिवार खुशी खुशी साथ रहने लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।